मैं तो कहता हूँ कि परिवार के साथ मुझे बैठ के मत देखो, झगड़ा हो जाएगा। आप पसंद करते हैं कपिल शर्मा की कॉमेडी? आप क्यों मेरे मुंह से ना सुनना चाहते हैं? गाली लाइफ में है इसीलिए एक्ट में है। और वो एंकर अभी मुझसे डरे ना, मैं उसको कभी किधर देख लूंगा तो वापस वो चीज नहीं करूंगा। मैं सेम पिक्चर दो बार नहीं बनाता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लेकिन अक्सर खुद को विवादों के घेरे में पाते रहे हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से वो फिर एक बार चर्चा में हैं। कुणाल कामरा, बीबीसी में आपका स्वागत है। थैंक यू राघवेंद्र, थैंक यू। मेरा पहला सवाल कुणाल, सरकार जो फैक्ट चेक यूनिट बनाना चाह रही थी, सरकार के मुताबिक उसका मकसद था कि जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई फर्जी खबरें हैं, फेक न्यूज़ है या गलत जानकारियां हैं, उससे वो निपटने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट बनाना चाह रहे थे। तो इसके खिलाफ जब आपके जैसा एक स्टैंड अप कॉमेडियन अदालत में गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला था। कॉमेडी का फेक न्यूज़ से क्या वास्ता है? क्या वजह थी कि आपने इस मसले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की? कॉमेडी मतलब सटायर कॉमेडी, आप कुछ भी ले लो, उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बता के आप कभी भी बोल सकते हैं कि ये फैक्ट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मीम बनाऊं जो फोटो मीम है, जहाँ पे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और प्रधानमंत्री की शक्ल की जगह मैं अपने दो कोई भी अडानी अंबानी दोनों में से कोई भी फेस उस पर डाल दूँ और एज अ मीम डालो कि इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओथ, ये एक क्लियर जोक है, करेक्ट? पर इसको आप बोल सकते हो मिसलीडिंग फेक न्यूज़। तो एनी सॉर्ट ऑफ सटायर कैन बी क्लासिफाइड एज फेक न्यूज़। तो आपका फेयर ये था कि अगर ये फैक्ट चेक यूनिट बनता है तो आपकी कॉमेडी या आपकी सटायर पे उसका असर पड़ेगा? कोई भी चीज पे इसका असर पड़ सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रही है कि वही एक फाइनल डेस्टिनेशन है फैक्ट चेकिंग के लिए। तो जैसे एक चीज हो गई, जैसे फार्मर सुसाइड्स पे सरकार आंकड़े नहीं लेती, फॉर एग्जांपल। अब विदर्भ में अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जाके वहां पे आप रिसर्च रिपोर्ट निकाले, उसको कोई भी आप बोल सकते हैं कि ये फैक्ट चेक हमने किया, ये फेक न्यूज है। और इसमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी ना, अगर आप एक बंदा रिपीटेडली सरकार उसको फ्लैग कर रही है के फैक्ट चेक कर रही है, तो जो आपका ऑडियंस आपने बनाया है बिना पैसे दिए, बिना प्रमोट किए ऑर्गेनिकली, वो कभी भी आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। लेकिन फेक न्यूज़ आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम हर दिन देखते हैं कि फेक न्यूज़ की वजह से कितना मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी गलत जानकारियां फैल रही हैं। आपका क्या मानना है, सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए करना क्या चाहिए? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं बताऊं सरकार को क्या करना चाहिए, पर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये सरकार फेक न्यूज़ कर्व करने के कोई मतलब इनके इंटेंशंस नहीं लग रहे। अगर आप लास्ट 10-11 साल में देखे जो बोला गया है, लास्ट 10-11 क्यों, हम लास्ट 15 साल भी देखे जो बोला गया है इंटरनेट पे अबाउट देयर पॉलिटिकल ऑपोजिशंस, अबाउट पीपल ऑन द इंटरनेट, अब किसको कहाँ से जोड़ देते हैं, उमर खालिद को कश्मीरी बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। सो काफी जो न्यूज़ और नैरेटिव जो है, जो मिसलीडिंग न्यूज़ और मिसलीडिंग नैरेटिव्स, ये तो काफी इनके ही माउथ पीसेस से आ रहा है, तो वो अपने माउथ पीसेस को तो कहां फैक्ट चेक करेंगे वो? मोदी जी ने एक बार अलेक्जेंडर को बिहार ले आए थे, फिर एक बार उन्होंने बोला नेहरू नहीं गए थे भगत सिंह से मिलने, तो वो कौन फैक्ट चेक करेगा? पीआईबी तो नहीं करेगा, पीआईबी तो नहीं बोलेगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसे गाय बांटने और भैंस छीनने का तो लिखा नहीं था, तो आपने कैसे बोल दिया? कोई करेगा? तो ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसे आप एक विक्ट्री मान रहे हैं? क्योंकि पहले जो एक वर्डिक्ट आया था वो स्प्लिट वर्डिक्ट था, और उस वक्त आपको उम्मीद थी कि आपके पक्ष में ये फैसला आ जाएगा। देखो, विक्ट्री जैसी कोई चीज नहीं है, कल ये सुप्रीम कोर्ट चले गए तो ये फैसला भी बदल सकता है। और मुझे नहीं लगता इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट टेलिंग पीपल के आपके हाई कोर्ट्स में बहुत क्वालिफाइड और उमदा जजेस बैठे हैं, आपको हर बार सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपको सरकार को चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट के थ्रू कीजिए, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इनका कोई भी सरकार जो सत्ता में आएगी वो चाहेगी कि नैरेटिव उनका चले। फेक न्यूज़ और कॉमेडी के बीच का जो रिलेशनशिप है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप
कहेंगे या मानेंगे कि कभी कभी कॉमेडी में फेक न्यूज का इस्तेमाल होता है? देखो, कॉमेडी इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। लोगों की परसेप्शन क्या है उस पर बेस्ड है। लोगों की एक परसेप्शन होती है, उसको केटर करना है आपको, ठीक है? तो वो परसेप्शन ना ही सच्ची होती है ना ही खराब होती है, वो परसेप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ BSNL या जियो पे मैं जोक मारूँ, तो BSNL एज अ कंपनी, उसकी परसेप्शन है ना, आपके दिमाग में एक परसेप्शन होगी कंपनी की, नेटवर्क नहीं आता है, आदमी नहीं अवेलेबल है। इंडियन रेलवेज की भी एक परसेप्शन है ना, चेन को उन लोगों भाग बांध के रखते हैं लोहे में, ये सब परसेप्शन है। अब ये सच नहीं होगा, अब शायद वो लोटा भी नहीं है, चेन भी नहीं है, पर वो जोक पे तो आप हंसोगे ना। तो वही है कि जोक परसेप्शन पे बेस्ड होता है। अगर एयर इंडिया सबसे अच्छी एयरलाइन भी है, तो उसका परसेप्शन ये है कि उन लोग लेट करते हैं, खाना अच्छा नहीं होता। अभी मोदी जी अगर कितने भी एकदम गुणवान और एकदम अच्छे नेता है, पर परसेप्शन उनकी ये है कि वो अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं, ये परसेप्शन है। रियलिटी वो तीनों में से कोई बताए तो पता चले, मुझे नहीं पता, पर ये परसेप्शन को लेके जब मैं जोक मारता हूँ, जनता हंसती है। बट एज अ कॉमेडियन कितना लीवे लेना आपको लगता है इज फेयर? आपका एक वीडियो था मोदी फेस्टो करके, जिसमें आपने BJP के मैनिफेस्टो के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था, तो उसमें एक जगह आपने कहा कि जो रेसलर्स थे जो प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उन्होंने अपने मेडल्स गंगा में बहा दिए। वो आपने दो या तीन बार कहा उस वीडियो में जब आप उस पोर्शन पे आए। अब फैक्ट ये नहीं है उन्होंने नहीं बहाए थे, वो गए जरूर थे बहाने, लेकिन उन्होंने बहाए नहीं थे, जनता ने बहाने नहीं दिया। तो क्या आपका ये कहना कि उन्होंने वो मेडल्स बहा दिए, क्या ये फेक न्यूज नहीं हुआ? बेसिकली पॉइंट इज के रेसलर्स सड़क पे बैठे थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, पुलिस उनको मैन हैंडल कर रही थी, और वो अपने मेडल त्यागने के लिए तैयार थे। बहा दिए, ये न्यूज मैंने पढ़ी थी और ये करेक्ट कर लूंगा मैं आज जाते ही वो पोर्शन, पर ये गलती हो जाती है क्योंकि आदमी तो इंसान है। देखो, एक आदमी हूँ, जितना मेरे पास रिसोर्स है आप देख रहे हो, उसमें मैं जो कर पा रहा हूँ, और अगर मैंने 150 वीडियो डाले है और उसमें आप एक चीज पकड़ पाए, तो आई थिंक काम ठीक ठाक ही हुआ है, इतना कुछ खराब नहीं हुआ है, पर ये भी मैं चेक कर लूंगा, आई एम हैप्पी टू बी करेक्टेड। आज के भारत में आपको लगता है कि कॉमेडी या पॉलिटिकल सटायर करना बहुत मुश्किल हो गया? ये करने का मजा तभी है, या ये करने का सबसे बेहतर टाइम तभी है जब आपको ये करने से रोका जाए, ये मेरा मानना है। एक कुणाल कामरा को हम जानते हैं जिन्होंने फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी को कन्फ्रंट किया या उनसे बातचीत की, और अब एक कुणाल कामरा हैं जो पुडुचेरी में सेटल हो गए हैं, खेतीबाड़ी करना चाह रहे हैं कोशिश। उस कुणाल कामरा और इस कुणाल कामरा में कितना फर्क आ गया है आपकी नज़र में? मेरे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट रहे हैं डग स्टैनहोप करके, उन्होंने एक चीज कही थी कि कॉमेडी इज नॉट द जोक्स यू राइट, इट्स द लाइफ यू लीड। तो अगर आप शहर में रहोगे तो आपकी कॉमेडी वैसी होगी, अगर आप समझिए सोसाइटी का एक पार्ट है तो आपकी कॉमेडी वैसे होगी, और अगर आप समझो कॉरपोरेट में बहुत साल रहे हैं, वहां से बाहर आए हैं, तो आपकी कॉमेडी ऐसी होगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं पांडिचेरी थोड़ा टाइम रहता हूँ, देखता हूँ एग्रीकल्चर का डिस्ट्रेस क्या है, ये पढ़ के देख के थोड़ा ही आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे रियलाइज हुआ कि कोई टाइप की खेती करनी पड़ेगी कि ये देश के किसान का क्राइसिस क्या है वो समझने के लिए। जो अर्नब गोस्वामी के साथ आपका एक्सचेंज हुआ था, क्या आपको कभी अफसोस हुआ उसका? हेकलिंग कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आप जो ये आप नेता को अकाउंटेबल करो वोट से, ठीक है, कर लोगे अकाउंटेबल वोट से। अब ये एंकर है जो सरकार का मतलब पक्ष में पूरा अपना काम कर रहा है, तो ये फिगर को आप अकाउंटेबल कैसे रखोगे, उसको हम्बल कैसे करोगे? तो उसको कर दिया हम्बल। एक बार फ्लाइट में मिला वो मेरे पास, पहले मैं दो बार बिना कैमरा के गया था एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, पर अभी आदमी को डिसेंसी नहीं पसंद है तो फिर वही रिपब्लिक टीवी का फॉर्मेट के निकालो कैमरा और बोलो जो मन होता है और डाल दो वीडियो। तो अफसोस कुछ नहीं है आपको? नहीं, उसका... नहीं, अफसोस और खेद बिल्कुल नहीं है। और वो एंकर अभी मुझसे डरे ना, मैं उसको कभी किधर देख लूंगा तो वापस वो चीज नहीं करूंगा। मैं सेम पिक्चर दो बार नहीं बनाता। भारत में आज जो स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक सिनेरियो है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? फ्लरिशिंग है, बहुत अच्छा है,
देर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस हु आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट एक जो आर्ट फॉर्म के लिए ऑडियंस बन जाती है ना, वो हम थोड़ा लैक कर रहे हैं बनने में, बिकॉज वी आर अ लैंड ऑफ फॉलोअर्स. तो एक कोई कमेडियन है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो उनका शो सब लोग देखते हैं. मतलब हमारे जो आर्टिस्ट है और उनका लाइफ एक्सपीरियंस और जो उनके कॉमेडी में डेप्थ है वो बहुत बढ़िया है, हमारी राइटिंग बहुत बढ़िया है. किन स्टैंडअप कॉमेडियंस को आप पसंद करते हैं? सभी अच्छे हैं. बस्सी हो गया, जाकिर, वीर, अभिषेक उपमन्यु, प्रशस्ति, मैं तो 15 नाम गिना. वीरदास का नाम आपने लिया, वीरदास उन्होंने काफी नाम कमाया बाहर कॉमेडी करके, और काफी उनको उनकी कॉमेडी के ऊपर कई बार बैकलैश भी हुआ इंडिया में, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी बात अनकंफर्टेबल है बोलने के लिए ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल है सुनने के लिए, और जो उन्होंने बोला वो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल हो गए वो बात से, तो ट्रोलिंग हुई. ये तो समाज चलता रहेगा. कपिल शर्मा की जो ब्रांड ऑफ कॉमेडी है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा है, फैमिली इसको एंटरटेन रखे, साथ रखे, अच्छी बात है. लेकिन कई बार उन पे आरोप लगता है कि मिसोजिनी है, बॉडी शेमिंग है उनकी कॉमेडी में. आई डोंट थिंक कपिल शर्मा को या उनकी ऑडियंस को ये सब चीज से फर्क पड़ता है. तो अगर कोई बोलता भी है तो आई थिंक उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए. आप पसंद करते हैं कपिल शर्मा की कॉमेडी? आप क्यों मेरे मुंह से ना सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप जो कहना चाहें आप फ्री हैं कहने के. मतलब मेरे को एंटरटेनिंग नहीं लगती है, बट देखिए, फैमिलीज को एंटरटेन करना ना, सच बोले बगैर, कॉमेडी इज नॉट अ फैमिली फ्रेंडली आर्ट फॉर्म. कभी कभी तो बाप बेटा अगर एक भी शो आए ना, तो मेरे हिसाब से तो उनको अलग बैठ के देखना चाहिए, तो ज्यादा मजा आए शायद. स्टैंड अप कॉमेडी की एक अच्छी खासी ऑडियंस इस वक्त भारत में हो गई है, बहुत लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि गालियाँ बहुत हैं हमारी स्टैंड अप कॉमेडी में, अपशब्द हैं, गालियाँ हैं, आपके भी कुछ एक्ट्स में गालियों का खुल के इस्तेमाल है, क्या गालियों के बिना स्टैंड अप कॉमेडी मुमकिन नहीं है? गाली लाइफ में है, इसीलिए एक्ट में है. लाइफ में नहीं होती तो मैंने इन्वेंट तो नहीं करनी थी. लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर गालियाँ ना हों तो शायद आपका ऑडियंस का जो बेस है वो और बढ़े? क्या करना है उनको बढ़ा के? ज्यादा लोग आपकी कॉमेडी को देख पाएंगे, आप ज्यादा एक्सेसिबल होंगे उन्हें. बहुत लोग शायद इसीलिए पुट ऑफ हो जाते हैं कि इस एक्ट को क्या देखें, इसमें तो गाली गलौज ही बहुत है, परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते. मैं तो कहता हूँ कि परिवार के साथ मुझे बैठ के मत देखो, झगड़ा हो जाएगा. मुझे नहीं है इंटरेस्ट उनके जो वो बोल रहे हैं कि गालियाँ कम कर दो तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, गालियाँ कम कर दो तो लोग भर जाएंगे. मतलब आई एम ग्रेटफुल, आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर माय ऑडियंस, बट वो मेरा सूट नहीं सिला सकते, वो मुझसे सुनने आए हैं, तो मैं वो जो सुनना चाहते हैं ना, मैं वो ही नहीं बोलूंगा. मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोलूंगा. तो कुणाल, आज के भारत के बारे में कुणाल कामरा क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया, अब कैसे देख रहे हैं? इंडिया का आइडिया हमेशा इवॉल्व होता है, बट मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम आइडेंटिटी पे, एक ही चीज़ पे बात करें, विच इज़ आइडेंटिटी ऑफ अ सिटीजन, जो मैं बोल रहा हूँ. जब किसी का घर बुलडोजर से टूट जाता है, किसी आदमी का, तो आप पूरी फैमिली को सजा दे रहे हैं. तो आप वो सिटीजन के जो भी फैमिली है उसको सजा दे रहे हैं. ये कोई मुस्लिम या हिंदू नहीं है, ये एक सिटीजन है, और जिसके पूरे परिवार को आप सजा दे रहे हैं बुलडोजर चला के, गरीब लोगों पे. तो ये तो नहीं है आइडिया ऑफ इंडिया. तो मैं एक आइडिया ऑफ सिटीजन पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि आज आप सिटीजन क्या कर सकते हो इन इंडिया, एंड दैट्स माय आइडिया ऑफ इंडिया, दैट एवरीबॉडी इज एन अवेयर सिटीजन. वी आर नॉट इन सम एनेस्थीसिया के साल में एक बार उठ गए 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, फिर वोट करने चले गए. ये नहीं है इंडिया, इससे बहुत ज्यादा है.